अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उमर और आप देख रहे हैं पाकिस्तानी विल्जर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि इस चैनल पर आपको पाकिस्तान के जो गांव हैं उनकी हम आपको सकाफत दिखाएंगे, और पाकिस्तान के जो गांव हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको देखकर बंदा हैरान रह जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आपने पहले कभी नहीं देखा होता। तो इस वक्त मैं शेखुपुरा का एक गाँव है नवाकोट, जिसको फाई वाली भी कहते हैं, उस गांव में मौजूद हूं। और इस गांव में आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत बड़ा महल तैयार किया जा रहा है। इस तरह का महल आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, स्पेशली गांव वगैरह में या विलेजेस में इस तरह का ट्रेंड बिल्कुल नहीं होता। ये बहुत बड़ा जो है वो महल बनाया जा रहा है इस गांव में, तकरीबन 9 एकड़ पर ये महल तैयार किया जा रहा है। इस महल को आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे और आपको इसका पूरे के पूरे का विज़िट करवाएंगे और इसकी जो खूबसूरती है वो भी दिखाएंगे। और इसके अलावा ये जो गांव है नवाकोट चक 79, इसका भी आपको विज़िट करवाया जाएगा। तो चलें आपको महल के अंदर लेके जाते हैं और बाहर से भी दिखाते हैं इसको कम्प्लीट व्यू, साइडों से भी और अंदर से भी इसका व्यू आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों चलें हम इसके महल जो खूबसूरत देख रहे हैं आप, इसका नाम सिंधु महल है, इसके हम अंदर जाने लगे हैं। ये मेरे साथ नदीम भाई हैं, ये हमें मज़ीद गाइड करेंगे इसके बारे में, मज़ीद इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो हमें देंगे। तो चलें नदीम भाई अंदर चलते हैं, अंदर से इसका व्यू चेक करते हैं। ठीक है, अंदर से आपको इसका दिखाते हैं व्यू। अभी जब ये कम्प्लीट होगा तो इंशाल्लाह इसके बाद एक मतलब फिर आपको इसका रिव्यू करवाया जाएगा। काफी इसके ऊपर वीडियोस बन सकती है जब ये कम्प्लीट होगा तो इंशाल्लाह ताला। ये यूनिकनेस में और ब्यूटी में सबसे आगे है इस इलाके के, ये आप देख सकते हैं, आप सामने चीजें आपको नजर आ रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा ही जबरदस्त हाजी साहब जो है ना इस पे दिल के साथ इसको बना रहे हैं। अच्छा, इनके बारे में बताए ये कौन बना रहा है? ये अलहाज हाजी अकरम संधु साहब हैं, वो फाई वाली के ही रहशी हैं, इधर से ही उनकी पैदाइश वगैरह सारा कुछ इधर से ही है। तो आज भी वो इतना अपने गांव से प्यार करते हैं, इतना लव करते हैं कि आप देख सकते हैं कि उनके प्यार की वजह से उसने अपने गांव में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी है कि लोगों के आने जाने के लिए, लोगों को बिठाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, ये सारा कुछ। सही बात है, करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। सही बात है। चले आप हमें, ये तो अभी निचला पोर्शन है, अभी ये दोस्तों अंडर कंस्ट्रक्शन है, मजीद इंशाल्लाह जैसे जैसे ये रेडी होगा तब मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। बाकी आपको इंशाल्लाह दूसरा जो गांव है फाई वाली नवाकोट उसका मजीद विजिट भी करवाएंगे। अभी थोड़ा सा ऊपर वाली साइड है, बहुत अच्छी है, मैंने देखी है, देखने वाली है, आपको भी साथ में दिखाता हूँ। चले जी, ये उमर साहब ये सेकेंड फ्लोर पे आ गए, सेकेंड फ्लोर के अंदर आप आ जाए, ये देखें जी माशाल्लाह गैलरी का व्यू देखें आप, यहाँ से देखिए आप माशाल्लाह। ये मीटिंग हॉल बनाया है, ये आप दोस्तों के लिए, ये सारा हाजी साहब की वाला मोहब्बत है कि वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो चाहते तो कैनेडा दुबई में भी इतनी इन्वेस्टमेंट है, बड़ा ही जबरदस्त। सही बात है, 1 करोड़ रुपया इनका खर्च हुआ है जी। इधर बाहर का व्यू मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, बड़ा जबरदस्त व्यू है। नदीम भाई इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें। ये सामने जो है ना ये फार्म हाउस है बनाया, वो आगे स्टोर है, ये फार्म हाउस है, ये बैठने के लिए सिटिंग एरियाज है, तो ये गेस्ट रूम जो आते हैं, गेस्ट लोग जो आते हैं वो इधर स्टे करते हैं, भाई साहब उनको रहाइश खाना शाना भी प्रॉपर तरीके से फ्री में देते हैं। इसकी जो सबसे अहम चीज़ है ना जो देखने वाली है या आपको बताने वाली है वो ये है कि हवादार है, हर तरफ से आप देखेंगे वेंटिलेशन का प्रॉपर सिस्टम है, बड़ा ज़बरदस्त है, एसी वगैरह लगवाने की भी ज़रूरत नहीं है, सारी बातें लगवाएंगे। लेकिन ये देखें यहाँ से, ये बिल्कुल ग्राउंड की आबादी के साथ ही है, ये फाई वाली है चक 79, इसको नवाकोट भी बोलते हैं, नवा जो नाम है इसका नवाकोट है, वैसे पुराने नाम जो है इसका फाई वाली है, 79 चक है, आबादी के साथ ही है। आप देख सकते हैं व्यू सामने, ये सारा पीछे रकबा भी इन्हीं का है, हिसाब का ही है। अच्छा दोस्तों, मैंने आपको व्यूज़ कुछ दिखाए हैं इसके, बहुत ही प्यारा महल है, मुझे पर्सनली इसका जो आर्किटेक्ट है वो बहुत ही पसंद आया।
ये आप अगर इसमें आते हैं तो आपको ना वाइब्स आने लगती हैं, जैसा कि आप जो नवाब खानदान होते हैं ना वो बहावलपुर वाली साइड पे, तो वहाँ पर इस तरह का आर्किटेक्ट आपको देखने को मिलता है, तो बहुत ही खुशी होती है क्योंकि मेरा एरिया भी इधर पास ही है, तो अपने इलाके में इस तरह की चीज़ देखकर वाकई बड़ी खुशी होती है। तो अभी मैं आपको मज़ीद थोड़ा सा इसका व्यू दिखाता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त व्यू है, मतलब साइडों पर जो चौधरी अकरम सिंधु साहब हैं उन्होंने बड़ा ही अच्छा काम किया है, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, अगर आप देखें तो करोड़ों की इन्वेस्टमेंट होगी, एग्जैक्ट तो मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास अभी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो चले मज़ीद आपको कुछ शॉट्स मैं लेके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये अभी मैं टॉप पर हूँ, छत पर आ चुका हूँ, ये चारों साइडों पर इन्होंने टाइप बनाए हैं, बहुत ज़बरदस्त लगते हैं ये, आपको तकरीबन अगर हम 3-4 किलोमीटर दूर खड़े हो ना तो तब भी इनका व्यू आपको ईजीली नज़र आता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि 3-4 किलोमीटर दूर से इनका व्यू भी इस वीडियो में। तो दोस्तों अभी हम महल से तकरीबन 3-4 किलोमीटर दूर से ही ये जो महल है बहुत शानदार महल ये नज़र आता है, तो बहुत ही यूनिक लुक देता है, दूर से ही आपको 3-4 किलोमीटर दूर से ही पता लग जाता है कि भाई इस गांव में ये शानदार महल तमीर किया जा रहा है। तो आप अगर शाहकोट सफदराबाद रोड पर सफ़र कर रहे हो तो आपको दूर से भी इसका जो है नज़ारा, इसकी लुक है वो देखने को मिल जाएगी। ये सफदराबाद शाहकोट रोड पर गाँव है, चक 79 5 वाली, और इसको दो साइड से जो है वो रास्ता लगता है, एक शाहकोट सफदराबाद रोड लगता है और दूसरा मानावाला सफदराबाद रोड लगता है, दोनों साइडों से, इस साइड पर मानावाला सफदराबाद रोड है और इस साइड पर जो मेरी लेफ्ट साइड है इस पर है सफदराबाद और शाहकोट रोड, तो दोनों साइडों से रोड लगते हैं। ये फार्म हाउस है, फार्म हाउस का भी आपको विजिट कराते हैं, थोड़ा सा आगे आ जाए, ये देखें ये देखिए माशाल्लाह गाय भैंस भैंसे उधर ये अभी भैंसे नहा रही हैं, बड़ा गर्म मौसम है, गर्म मौसम में ये पानी पे नीचे ये देखे कैसे सुकून के साथ नहा रही हैं और पानी पी रही है। हाँ जी ये फ्रेश पानी है, ये देखे फ्रेश पानी निकल रहा है और भैंसे बड़े आराम के साथ खड़ी हैं, मजे ले रही हैं, इंजॉय कर रही हैं, पानी पी रही हैं। आप व्यू देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त व्यू आ रहा है, आगे महल है, उसके साथ ही गाय और भैंसों का फार्म हाउस है, ये बड़ा प्रॉपर तरीके से मैंने किया है, बड़ा ही ज़बरदस्त सेटअप बना लिया। ये घोड़ों का भी फार्म हाउस है, हॉस्पिटल बनाया हुआ है, ये देखें बड़े ही ज़बरदस्त और बड़े ही महंगे यूनिक घोड़े रखे हैं जी राजा साहब ने, बड़े ही ज़बरदस्त और यूनिक नस्ल के घोड़े हैं जी, आप देख सकते हैं इनका प्रॉपर एक सिस्टम बनाया है, पंखे लगा के दिए इनको और आराम से ये देखें इनकी सारी सहूलियात का ख्याल रखा गया, नीचे भी आप व्यू देख सकते हैं और बड़े ही आला किस्म के घोड़े हैं, नस्ली घोड़े हैं जी। हम इधर पहुंच गए हैं जी हाजी अफसर साहब के पास, इन्हीं का फार्म हाउस है, इन्हीं से सवाल करते हैं कि इतनी बड़ी हाई साहब इन्वेस्टमेंट गाँव में ही क्यों करती है? असि इतने जमे बड़े जमे भरा पिंड मोहब्बत है जी, इतनी साढ़े घर बेच खरीदी है। देखिए जी माशाल्लाह हाई साहब ने, मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया कि हाई साहब आवाम के साथ बड़ी चाहत करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं, ये तीनों भाई हाजी अकरम साहब, हाजी अफसर साहब और इनके तीसरे भाई जो है वो भी बड़ी आवाम के साथ मोहब्बत करते हैं, चाहत करते हैं और इसी वजह से ये इतना बड़ा सेटअप यहाँ पर लगा रहे हैं कि आवाम को इंटरटेनमेंट का जरिया बन सके, वो आए इंजॉय करें, फोटोशूट करें या वीडियो बनाए जो उनका दिल चाहता है, और ये बड़े ही खलूस के साथ मोहब्बत के साथ लोगों के साथ पेश आते हैं, बहुत शुक्रिया। भाई साहब थोड़ा सा ये भी बता दें कि ये इंडिया से पहले का पिंड बनाया गया या बाद में बनाया, आप तफसील से जरा हमारी आवाम को बता दें। ये इंडिया पाकिस्तान बनने से पहले का, सिख इतने गए, सिख चले गए, असी लोग महाजर हो गए इस पिंड में, इतने कोई सिखा का घर है नहीं, कोई पुराना, सारे खत्म हो गए, खत्म हो गए, खत्म हो गए। ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ
हाई साहब जीवी इदारे के अलावा भी कोई आपका कारोबार है, कोई काम है? सऊदी अरब मेरा भाई इन्वेस्टर है, तजारत का कारोबार है साडा, स्क्रैप तांबे दा अलूमीनियम दा। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੈਡਾਂ ਦਾ ਪੋਲੜੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ੈਡ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ੈਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਉਧਰ ਘੋੜੋਂ ਕੇ ਅਸਤਬਲ ਮੇਂ ਵੀ ਗਏ ਹੈ, ਵੋ ਬੜਾ ਹੀ ਬੜੇ ਯੂਨੀਕ ਘੋੜੇ ਲਗੇ ਹੈ, ਤੋ ਕਹਾਂ ਸੇ ਲੀਏ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਆ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਿਤਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਨਾ? ਮਾਨਾ ਖਰਚਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਵਾਰ ਨੇ, ਜ਼ਫਰ ਮੀਆਂ ਰਾਣੇ ਦਾ ਨਾਲ ਦੋ ਦੇ ਸਵਾਰ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ 15 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੈਂ 96,000 ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦਾ, ਸਮਝਾਈ? 40,000 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਨਮੈਨ ਹੁੰਦਾ 20,000 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਦਿਨ ਨੂੰ 3 ਨੌਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 60,000 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਮੈਡੀਸਨ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ 10,000 ਰੁਪਈਆ, ਡਾਂਸਰ ਘੋੜੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਚਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੋੜੀਆਂ ਵੀ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ 10-7 ਬੱਚੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਘੋੜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਮੈਂ ਖਰੀਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਖਰੀਦਦਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਂਸਰ ਅਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਗਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘੋੜੇ ਰੱਖੇ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘੋੜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤਨੀ ਮਾਲੀਅਤ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ ਤਕਰੀਬਨ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕੀਨ ਲੋਕ ਲੈਣੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਘੋੜੇ ਖੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, 20-20 ਲੱਖ ਦਾ ਵੇਚ ਘੋੜਾ ਹੈ ਘੋੜੇ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤਮਾਨਾ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਘੋੜੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮਹਿੰਗੇ ਤਰੀਨ ਘੋੜੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਾਸ, ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਇਤਨਾ ਖਰਚਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਸੁਣੀ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲਾ ਸੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਹਬੀ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਯਾਦ ਗੁਰਬੰਦ ਨੇ ਤੰਗ ਕਰ, ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਿਆ ਕਿਸੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਬਾਗ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 100 ਘੋੜੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 22 ਕਿੱਲੇ ਰਕਬਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਤਜਾਰਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ 2002 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 26 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਨੌਕਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਿਨ ਨੂੰ 3 ਨੌਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਸਾ ਨਾ ਲੜਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇਈ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਦੇਈ। ਦੇਖੇ ਜੀ, ਇਹ ਇਤਨਾ ਬੜੇ ਰਾਜ ਸੇ ਪਰਦਾ ਉਠਾ ਦੀਆ, ਨਾ ਮੁਝੇ ਪਤਾ ਥਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਵਾਮ ਕੋ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋ, ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਾਤ ਹੈ, ਆਪਕੇ ਲੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲੀਏ ਵੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੌਲੀਆਂ ਕੋ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੁਣੇ, ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਮਲ ਹਦੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੋ ਘੋੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਬਤਾ ਦੇ ਕਿ ਘੋੜੋਂ ਕੋ ਇਲਾਜ ਮੁਆਲਜਾ ਕਿਆ ਕੈਸੇ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਰਤੇ ਹੈ ਆਪ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਘੋੜੇ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਛੋਈ ਪੁੱਟ ਦੇਣਾ, 300 ਦੀ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 13,000 ਲੱਗ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਈ ਹਕੀਮ ਬੁਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਨੁਸਖੇ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 90% ਮੈਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਪ ਕਰਦਾ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ, 10% ਮੇਰਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆ ਹਕੀਮ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਆ ਸ਼ਫੀਕ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਰੁਪਈਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਯਾਨੀ 100-200 ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 10,000 ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੂਟੀਆਂ ਫਰੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕੋ ਬਣੇ, ਅਤੇ ਮੁਫਤੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦਾ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਡਾਕਟਰ ਜਿਹਦਾ 10,000 ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਨੋਟ ਕਰ ਦਿਉ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਸ ਕਾਲ ਮਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਬਾਹ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਗਰਬ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਖੁੱਲ੍ਹ, ਆਹ ਨੰਬਰ 10 ਵੀ। ਇਹ ਦੇਖੇ ਜੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਕੋ ਬਤਾਇਆ, ਕਰੋੜੋਂ ਕਾ ਜੋ ਘੋੜੇ ਰੱਖਤੇ ਹੈ, ਕਰੋੜੋਂ ਕੇ ਘੋੜੇ ਰੱਖਤੇ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਵੀ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਸੇ ਵੀ ਇਨਕਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਨਕੋ ਤੋ ਕਿਸੀ ਬਾਤ ਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ, ਉਹ ਜਿਤਨੀ ਮਾਲੀਅਤ ਕਾ ਘੋੜਾ ਹੋਤਾ ਉਸ ਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰ ਲੇਤੇ ਹੈ,
भाई साहब का खुद का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया है कि वो खुद अपने घोड़ों का इलाज करते हैं और उनकी आला जर्फी देखेंगे, उन्होंने ऐलान कर दिया, इतने वो शकीन है घोड़ों के, इतना वो खैर खां है घोड़ों के, उन्होंने बताया कि आप मेरा नंबर ले लें, ये स्क्रीन पे आपको भाई साहब का नंबर शेयर कर देंगे, अगर किसी को भी किसी के भी घोड़े को कोई प्रॉब्लम हो तो वो भाई साहब से रब्ता कर सकते। अच्छा, तो दोस्तों नदीम भाई ने हमें बहुत अच्छा गाइड किया महल के बारे में, और चौधरी अफजल साहब ने भी हमें घोड़ों के बारे में बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। इस पर हम इंशाल्लाह एक कंप्लीट वीडियो लेकर आएंगे। इनके पास बहुत ही अच्छी नस्ल के घोड़े हैं, मैंने आपको वीडियो में भी दिखाए हैं, तो इंशाल्लाह मैं स्पेशली एक वीडियो इन पर बनाऊंगा और आप दोस्तों के लिए लेकर आऊंगा। चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। जी जी, बहुत अच्छी बात की है इन्होंने जो हमने आपको पहले वीडियो में दिखाई है। नदीम भाई चले, अब हमें इजाज़त दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। हमने आपको पूरे जो महल की है वीडियो वो भी दिखाई है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि भाई इस तरह का जो महल है आपको इस इलाके में तो क्या बड़े बड़े जो सिटीज़ हैं उनमें भी नहीं मिलता। आप बहावलपुर वाली साइड पर जाएँ तो उधर जो नवाब ख़ानदान के लोग हैं उनके आपको महल इस तरह को देखने को मिलेंगे, वो भी पहले जो ज़मानों में बनाते थे। तो अभी बहुत ही अच्छा लगा विज़िट करके, बहुत ही खूबसूरत है, आर्किटेक्ट बहुत ही खूबसूरत। नवाकोट, और जो लोग इंडिया से हमें देख रहे हैं यहाँ से वो जा चुके हैं, वो उनके लिए भी ये वीडियो बड़ी अहम है क्योंकि वो लोग पाकिस्तान में आए बिना अपने गाँव का जो है नज़ारा कर सकते हैं, क्योंकि ये जो विलेज है ये पाकिस्तान बनने से पहले का है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सिख बरादरी जो है वो रहती होगी, और बहुत ही ज़बरदस्त अब तो ये गांव बन चुका है, काफ़ी बड़ी बड़े मकानात हैं इधर, ठीक है। तो ज़िला शेखुपुरा का ये लास्ट गांव है, लेकिन ज़बरदस्त गांव है ये आप देख सकते हैं, देखो बाजार ठीक है अभी, लेकिन एक चीज़ है जो हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए इन गाँव पर के थोड़े से ये बाज़ार जो है इधर सड़कें वगैरह बनाएं, पीसी वगैरह डालें, ताकि जो मज़ीद खूबसूरती है इस गांव की वो उभर कर सामने। इस गांव में स्कूल है लड़कियों के लिए, हाई स्कूल है, और जो लड़के हैं उनके लिए एलिमेंट्री स्कूल है। तो मेरे ख्याल से जितना बड़ा ये गांव है तो उस हिसाब से लड़कों के लिए भी इधर हाई स्कूल होना चाहिए। शाहपुर से आप सफदराबाद को जाएं तो तकरीबन 11 किलोमीटर 10 से 11 किलोमीटर है, और अगर सफदराबाद से आप शाहकोट की तरफ जाएं तो तकरीबन 5 किलोमीटर। तो आपको आज का ये जो व्लॉग था पाकिस्तानी विलेजेस में, हमने नवाकोट फाइव वैली को कवर किया है, चेक नंबर 79 यानी कि 79 इसका चेक नंबर है, बहुत ज़बरदस्त रहा, मज़ा आया। उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को भी मज़ा आया होगा। मेरे साथ नदीम भाई थे, अब हमको दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।